नमस्कार। झारखंड CMMSS अर्थात मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022। यह मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति आपको मालूम है कि पहली बार झारखंड में आयोजित की गई है। इसके मेंटल एबिलिटी के प्रश्न, जो 30 प्रश्न थे, उन्हें मैं विस्तार से उनका सॉल्यूशन बता जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 1 से 4। प्रथम दो पदों में जो सादृश्य है उसी के अनुसार तृतीय पद के अनुसार चौथा उत्तर चुनिए। तो इसमें हमें करना क्या है कि देखिए, पहले दो जो पद हैं उनमें कुछ रिलेशन है, ठीक इसी तरह का रिलेशन तीसरे और चौथे में भी होगा। तो आपको वो चौथा टर्म खोजना है, क्या होगा बताना है। तो यहां पर पहला है टर्म पैर और दूसरा है आदमी। तो पैर और आदमी में जो रिलेशन है, तो पैर किसके किस में होता है? आदमी के पास होता है। तो यहां खुर है, तो खुर किस में होता है? हम लोग जानते हैं कि ये खुर होता है गाय में। प्रश्न संख्या 2, धुआं प्रदूषण। तो धुआं से हानि क्या होती है? प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या हानि होगा? यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मृत्यु हो सकती है। अब तीसरा नंबर में देखिए, ये दिया हुआ है JLN, और इसका दूसरा जो टर्म है SQO, और यहाँ तीसरा टर्म है PRT। तो हमें चौथा टर्म बताना है। तो हम देख रहे हैं J और L इसके बीच में K है, यानी एक अक्षर, एक अल्फाबेट छोड़कर है, एक लेटर छोड़कर है। फिर L के बाद N आते हैं, तो यहाँ भी एक छोड़कर है। अब एन के बाद यहां उल्टा इस तरह से बाएं दाई ओर से चल रहा है, एन के बाद ओ। अब ओ के बाद फिर इधर देखते हैं तो एक लेटर छोड़कर क्यू आता है, क्यू के बाद ओ पी क्यू, क्यू के बाद आर यहां पर छूटा हुआ है, उसके बाद एस आ गया है। तो इसी तरह से यहां भी देख रहे हैं पी क्यू एक छोड़कर है, आर एस छोड़कर है। तो हमने देखा था यहाँ एन के बाद ये इधर ओ आ गया था, तो इसी तरह से टी के बाद ये दाहिनी ओर हो जाएगा यू, टी के बाद यू, यू के बाद एक हम छोड़ देंगे भी, तो यहां पर आ जाएगा डब्लू, और डब्लू के बाद एक हम छोड़ देंगे यू भी, डब्लू एक्स छोड़ देंगे, तो यहां पर आ जाएगा वाई। तो हमारा ये चौथा टर्म मिल गया, YWU। प्रश्न संख्या 4, 12, 35, तो 16, और यहां क्या होगा चौथा टर्म? तो यहां हम एक रिलेशन देख रहे हैं, 12 गुना 3 घटाओ 1 बराबर 35 होता है। 12 36 से 1 घटा दिए तो 35 हो रहा है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 16 गुना 3 घटाओ 1, ये क्या होता है? 47। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 47, ये चौथा नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 से 12 में चूज द ऑड वन, बीमेल को चुनिए। यहां 4 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 किसी भी कारण से एक जैसे हैं, उनमें कुछ संबंध है। एक ऐसा है जो उनसे मेल नहीं खाता है, तो जो मेल नहीं खा रहा है वो आपको बताना है। तो 5वें नंबर में है जमशेदपुर, रांची, बोकारो, कोलकाता। तो यहां हम देख रहे हैं जमशेदपुर, रांची, बोकारो, ये झारखंड के जिले हैं, कोलकाता तो झारखंड में नहीं है, तो ये हमारा ऑड ये हो गया बेमेल। प्रश्न क्या 6, मंदिर, धर्मशाला, मस्जिद, गिरजाघर। तो यहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये पूजा स्थल है, एक धर्मशाला अलग है। प्रश्न संख्या 7,
तो यहां दिया है 7, फिर 22, 12, 37, 8, 33, 15, 46। अगर हम गौर से देखें तो यहां यहां और यहां, मतलब पहले दूसरे और चौथे में कुछ समानता दिख रही है। वो क्या है कि 7 गुना 3 जोड़ 1 बराबर 22, इसी तरह से 12 गुना 3 जोड़ 1 बराबर 37। अभी तीसरे वाले को हम छोड़ रहे हैं, चौथा वाला देखिए, 15 गुना 3 जोड़ 1, तो 15 43 और 1 46। तो देखिए ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन इसे अगर हम इस रूल में देखते हैं तो 8 TI 24 और 1 25 ही होता है, ये 33 नहीं होता है। तो यही हमारा बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 8, बिच्छू सांप लोमड़ी छिपकली। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिच्छू सांप छिपकली ये रेंगने वाले हैं, एक लोमड़ी अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, यूरेनस चांद नेपच्यून मंगल। तो यूरेनस नेपच्यून मंगल ग्रह है, चांद उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 10, अफ्रीका एशिया श्रीलंका यूरोप। तो अफ्रीका एशिया यूरोप ये महादेश हैं, लेकिन श्रीलंका एक देश है, इसलिए यह बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा यमुना रांची सरस्वती। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें बेमेल कौन सा है, रांची है। क्वेश्चन नंबर 12, आंख दांत जीभ अंगुली। तो यहां आंख ये सेंस ऑर्गन है, इससे हम कुछ महसूस करते हैं यानी हम देखते हैं, जीभ भी है सेंस ऑर्गन, ये उंगली भी छूकर हम कुछ महसूस करते हैं, लेकिन दांत मेल नहीं खा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 में संख्याओं का एक श्रेणी दिया हुआ है, और इसमें से जो प्रश्न वाली जगह है वो उस श्रेणी के जो नियम है उसके अनुसार वहां पर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, 4 6 9 13 18। तो यहां देखते हैं 4 से 6 के बीच 2 का अंतर है, फिर 6 से 9 के बीच 3 का अंतर है, फिर यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ 5 का है, तो इसके बाद कितना अंतर होना चाहिए, 6, तो ये हो जाना चाहिए 18 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 24। तो ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अब इसके बाद 14 नंबर देखिए, 4 7 11 16। तो यहां हम देख रहे हैं अंतर क्या हो रहा है, 3 और यहां 4 यहां 5, तो अब क्या अंतर होना चाहिए, 6, तो 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22। तो ये हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, 3F6G11I18L। तो हम यहां देख रहे हैं F के बाद G होता है, F के बाद G हुआ, इसके बीच कुछ छुटा हुआ नहीं है, कोई लेटर। जी के बाद आई है, यहां पर एक लेटर छूट गया, GHI। आई के बाद एल में, एल तक हम जब जा रहे हैं तो यहां पर जे और के दो छूटा हुआ है, दो छोड़कर है, तो यहां इस क्रम में हम जाएंगे तो एल के बाद दो छोड़ेंगे, एल एम एन सॉरी 3 छोड़ेंगे, क्योंकि यहां एक भी नहीं छूटा हुआ था, यहां एक हमने छोड़ा, यहां दो छोड़ा, तो यहां पर 3 छोड़ेंगे, तो एम एन ओ, तो यहां पर आ जाएगा पी। अब ये जो संख्या है उसको देखते हैं, 3 से 6 में आए, तो ये 3 का अंतर हो गया, यानी 3 जोड़ दिए 3 में, और 6 से 11 में हमने यहां 6 में 5 जोड़ा तो 11 आ गया, और यहां हमने 7 जोड़ा, 3 5 7, तो इस बार क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। ये विषम संख्याएं हम जोड़ रहे हैं,
तो 9 जोड़ेंगे अगर 18 में, तो ये आ जाएगा हमारा 27। तो ये चौथा नंबर हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, यहां देखिए 23 से 29 के बीच 6 का अंतर है और 29 से 31 के बीच 2 का अंतर है, फिर से ये 6 का अंतर है, इसके बाद 2 का है, तो इस बार अंतर क्या होगा? देखिए 6 2 6 2, तो इस बार 6 का अंतर होगा, तो 29 में 6 जोड़ेंगे तो 45 हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसे हम दूसरे तरह से भी हम हल कर सकते थे, तो दूसरा तरह देखिए, एक और जो हम रूल इससे पा सकते हैं, ये एक एक छोड़ के हम देखते हैं। तो 23 से 31 में ये 8 हो गया अंतर, 31 से 39 में 8 हो गया, इसी तरह से हम 29 और 29 और 37 के बीच देखते हैं तो 8 अंतर हो गया, तो 37 के बाद फिर 8 जोड़ेंगे तो ये फिर 45 आएगा। तो दो तरह से हमने इसे हल किया है। अब क्वेश्चन नंबर 17, तो यहां है 1/c, 3/e, 5/g, 7/i, तो अब क्वेश्चन में क्या होगा? तो पहले तो हम ऊपर वाले जो अंश है उसको देखते हैं, 1 3 5 7, तो अब क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। अब यहां c के बाद d छोड़ के e हो गया, e के बाद f छोड़ के g हो गया, इसके बाद h हमने छोड़ा तो i हो गया, तो इस बार क्या होगा? इस बार i के बाद j छोड़ेंगे, यहां पर k आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 9/k, ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो बड़ा सिंपल है, देखिए 1 4 9 16 25 36, ये क्या है? एक है, एक का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, तो इस बार क्या होगा? 7 का वर्ग यानी 49, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 से 24 में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 आकृतियां किसी विशेष प्रकार से बदल रही हैं, तो पता करें कि चौथे स्थान पर 4 आकृतियों में से कौन सी आएगी। तो यहां पर देखिए, यहां 3 आकृतियां दी गई है, तो चौथा आकृति इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा होगा? तो यहां आप देखिए, ये रंगा हुआ भाग ऐसे है, इस तरह से ये है, इसके बाद ये 90 डिग्री में इसको टर्न कर दिया गया यानी मोड़ दिया गया, तो ये आ गया, फिर से 90 डिग्री मोड़ आ गया, तो ऐसा आ गया। अब जब 90 डिग्री तो में इसको मोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इसमें देखिए ये 3 एक जैसे हैं, चौथा कौन सा होगा ये देखना है। तो यहां पर देखते हैं, ये जो गोला बना हुआ है, वृत्त है, पहले में 4 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 2 है, तो चौथे में निश्चित रूप से 1 होगा, तो या 2 होगा या 3 होगा। अब नीचे वाले को देखते हैं, ये जो रेखा खींची हुई है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इस बार निश्चित रूप से 5 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। देखिए यहाँ 5 है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, सबसे पहले हम ये लाइन को देख रहे हैं, जो लाइन खींचा हुआ है, तो यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, तो इस बार कौन सा होगा? 6 वाला होगा, तो ये 6 है। और एक और चीज देखते हैं, ये तो 6 हम देख लिए, और एक देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है वृत्त के अंदर जो ये वर्ग बना हुआ है, तो यहां पर जो डॉट है ये इस कोने में है, इस बार इस कोने आ गया, दाहिनी ओर आ गया, फिर ये ऊपर आ गया, तो इस बार यहां पर होना चाहिए, तो इन दोनों ही विचार से हमारा ये चौथा नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 22, तो इस बॉक्स में यहां जो वृत्त बना हुआ है छोटा छोटा, इसमें है 5, इसमें 4, इसमें 3, तो अब क्या होगा? निश्चित रूप से 1 होगा, सॉरी, हाँ, 3 के बाद 2 होगा, है ना, 5 4 3 2,
तो ये दो वाला कौन सा है? सिर्फ पहला एक है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ फिर ये जो त्रिभुज दिए हुए हैं इसके अंदर जो डॉट दिया दिया हुआ है या बिंदु दिया हुआ है उसको गिनते हैं। यहाँ 3, 2, 5, 1, 6। अब यहाँ क्या हो गया? 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो इसके बाद 3 होगा। तो ये 3 वाला कौन सा है? ये है। अब एक और क्राइटेरिया देख रहे हैं, ये जो त्रिभुज है ये इस तरह से है, इस बार ये उलट गया, फिर ये वाला इस जैसा हो गया, तो इस बार फिर ये उलट जाएगा। तो इन दोनों ही विचार से हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। तो यहां देखिए इस बॉक्स में 3 तीर हैं जो दाहिनी ओर हैं। अब जो दूसरे में है तो ये ऊपर और नीचे वाला का डायरेक्शन बदल जा रहा है, अभी बाई ओर हो जा रहा है। तो अभी जो तीसरा है इसमें भी 30 तीर हैं, तो इसमें इसके बाद चौथा क्या हो सकता है? यहां हमने देखा कि दो तीर सिर्फ बदले हैं, बीच वाला तीर ज्यों का त्यों है ना, ये उल्टी दिशा में हो गए हैं। तो यहां भी ये दो जो दोनों छोर पर हैं तीर, ये उल्टी दिशा में हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा है हमारा? देख रहे हैं ये तीसरा नंबर है ना, ये हमारा ऑप्शन है। अब 25 से 30 इसमें क्या है, आप इसे पढ़ लें अच्छी तरह। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृति बाईं ओर दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। प्रश्न आकृति के दाईं ओर विकल्प के रूप में 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, जिनमें से किसी एक विकल्प में सही उत्तर के रूप में वर्ग का लुप्त भाग दिया गया है। वर्ग का वह लुप्त भाग खोजकर आपको सही आकृति को उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। तो इसमें करना क्या है कि ये देखिए, ये जो वर्ग दिया हुआ है इसको 4 भाग में बांटा गया है और 3 भाग ये भरा हुआ है, चौथा खाली है। तो इस खाली वाले भाग में ये क्या छूटा हुआ है, कौन सा इस चारों आकृति में से होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए तीनों में ये तीनों एक जैसा है, तीनों जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर जो 4 3 भाग है ये तीनों एक जैसे हैं। तो चौथा इनके जैसा कौन सा है? पहला वाला है, आप देखें। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब यहाँ देख रहे हैं कौन सा, 26 नंबर। तो यहां देख रहे हैं ऊपर दोनों इस तरह से है और ये नीचे वाला इस तरह से है ना, तो ये बीच वाला ऐसे ही हो गया है, ये वाला सिर्फ एक बदल इस तरह से हो गया है, तो ऐसा ही यहां भी होगा। तो ये इस तरह का कौन सा है यहाँ, गौर से देखिए आप, ये चौथा नंबर हमारा है। गौर से आप सबको देखें, ठीक इसी तरह से कौन सा है, चौथा नंबर है। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें भी 3 भाग किया गया है। तो यहां पर देखिए ये वाला में गोल है, ये वाला में ये वर्ग बन गया है। तो यहां वाला जो वर्ग है, वर्ग बना हुआ है, तो यहाँ यहाँ फिर ये वृत्त वाला हो जाएगा। तो ये कौन सा हमारा है ऐसा, ये चौथा नंबर। देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं, यहां पर देखिए बीच में वृत्त है और यहां पर ये वर्ग हो जा रहा है, और ये तीसरे वाले में ये वर्ग है तो फिर यहां पर वृत्त होगा, तो ये वाला हमारे चौथा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 28, क्वेश्चन नंबर 28। तो यहां देख रहे हैं इस लाइन में, इस रो में देखिए, यहां वृत्त है, ये क्रॉस का निशान है, फिर त्रिभुज हो गया, यहां क्रॉस है, त्रिभुज है, फिर वृत्त है, और ये तीसरे वाले रो में त्रिभुज है, वृत्त है, तो यहाँ क्या बच रहा है? क्रॉस। ये पहला नंबर हमारा ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखें,
ये देखिए जो आकृति है यहाँ पर आके मिल रही है, ये तीनों, और तीनों एक जैसी है, तो ये चौथे में भी ठीक ऐसा ही होगा, जो इस तरफ से होगा इस कोने में आके मिलेगा। तो ऐसा कौन है? देखिए गौर से आप इसे देखिए, आप गौर से देखेंगे तो आप, ये वाला हमारा आंसर होगा चौथा नंबर। अब ये अंतिम अर्थात तीसवा नंबर प्रश्न, तो यहां देखिए कि ये इस बॉक्स में चार भाग है और इसे इस तरह से एक आयत बनाया गया है, आयत या वर्ग जो भी कहे, स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है लेकिन ये वर्ग ही है। तो ये तो ऐसे होगा निश्चित रूप से, तो ऐसे वाला कौन है? बिल्कुल सीधा देखिए यहां पर है, ये देखिए ये जो बना हुआ है इसके ऊपर से ये गुजर रहा है, यहां पर देखिए यहां तो इस तरह से गुजर रहा है लेकिन ये इस छतरी जैसा जो है इसके पीछे से गुजर रहा है, यहां पर ये देखिए टेढ़ा हो गया है, यहां पर भी ये टेढ़ा हो गया है, यहां पर एक सीधा जा रहा है जो इस छतरी के ऊपर से जा रहा है जैसे इसमें गया है ना, और ये जो बना हुआ है छतरी जैसा इसमें ठीक वैसा ही है। तो हमारा तीसवां का ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमने 2022 में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति का जो मेंटल एबिलिटी का 30 क्वेश्चन था, मैंने विस्तार पूर्वक इसका हल प्रस्तुत किया है। आशा है ये आपको, आपके लिए काफी मददगार होगा, उन विद्यार्थियों के लिए जो अगले साल इस परीक्षा को देने जा रहे हैं या राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति देने जा रहे हैं या कोई अन्य ऐसी परीक्षा देने जा रहे हैं जिसमें मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आते हैं। धन्यवाद।